हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी दिवाली स्पेशल कोकोनट कुकीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी चीनी लिया है मैंने, 1 कटोरी मलाई है ताज़ा और 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल। तो इसको मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ आटा को। और ये मैदा, चीनी और मलाई को मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके पीस लूँगी। क्रीमी सा फ्लेवर आता है कुकीज में, टेस्टी लगता है खाने में बहुत। ये नारियल ग्रेट किया हुआ 1 कटोरी और 1/2 कटोरी, 1.5 कटोरी मैं नारियल डाल रही हूँ उसमें। शुद्ध घी है 1 टेबल स्पून। टू टेबल स्पून शुद्ध घी, इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है, मलाई और चीनी को एक पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें जो मैंने घी डाला है इसको मैं पहले मिला लूँगी सारे चीज़ों को अच्छी तरह से, जिससे खास्ता होगा। चाहे तो आप सिर्फ गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैंने मिला लिया है, देखिए लड्डू जैसा बन रहा है हाथ में। इस पेस्ट को मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। अगर डो तैयार करने के लिए अगर कुछ लगेगा इसमें तो थोड़ा सा दूध डालूंगी। इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच सौंफ, सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक जगह इकट्ठा करके इसको डो तैयार कर लेंगे। अगर ये आटा अगर सूखा रहता तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देती। इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ढककर। तो देखिए 10 मिनट हो गया है। इसका बड़ा बड़ा थोड़ा लोई बना लेते हैं। इस तरह से इसको बेल लेंगे। तो आप इसको सर्कल, रेक्टेंगल किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इस ढक्कन से इसको काट रही हूँ गोल गोल इस तरह से।
और इससे काट लेंगे। इसी तरह से सबको बना लेंगे। एक पैन लिया है मैंने, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ कुकीज को। इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। सबको पलट लेंगे। मीडियम और लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तेज आंच पे ना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे, नहीं तो एक साइड जल जाएगा, एक साइड ऐसे ही रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसको फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लगेगा अभी, और देख सकते हैं इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर ही है ये, इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, नहीं तो तेज लो में नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। इसको निकाल लेंगे। ये हो गया है अब गोल्डन ब्राउन कलर का, इसको निकाल लेते हैं। तो ये ठंडा होने के बाद एकदम खस्ता लगेगा, खस्तेदार बनेगा एकदम तोड़ने के बाद, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। अभी गर्म है तो ये अभी सॉफ्ट होगा। इसी तरह से सबको बना लेंगे। ये सारा बन गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये बनकर तैयार हो गया है कुकीज, तो मैं एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, ठंडा हो गया है ये। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और खाइए और दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।